झारखंड में किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि राज्य के किसानों को राहत पहुंचाई जा सके और राज्य में कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। इन योजनाओं के तहत किसानों को आर्थिक मदद भी दी जाती है, जिससे किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना भी एक ऐसी ही योजना है, जिसके जरिए राज्य के उन किसानों को लोन माफ किया जाता है जिन्होंने कृषि लोन लिया हो। झारखंड में लगातार सूखे का सामना कर रहे किसानों के लिए ये योजना काफी मददगार साबित हो रही है। किसानों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हुआ है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए अब राज्य सरकार ने ऋण माफी का दायरा बढ़ा दिया है। एक महीने पहले तक राज्य सरकार की तरफ से उन किसानों को ऋण माफी का लाभ मिल रहा था जिन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया था, पर अब राज्य सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसके तहत उन किसानों का लोन माफ किया जा रहा है जिन्होंने 2,00,000 रुपए तक का लोन लिया है। इससे राज्य के उन किसानों को काफी राहत मिली है जिन्होंने 2,00,000 का बड़ा लोन लिया है और उसे चुका नहीं पा रहे हैं। ऐसे में किसानों को ये जानना जरूरी है कि लोन माफी योजना का लाभ लेने के लिए किन शर्तों का पालन करना पड़ता है। कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए 6 शर्तों को पूरा करना पड़ता है, तब जाकर ही किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसमें पहली है, आवेदक किसान को झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। इसके बाद जो किसान इसके लिए आवेदन कर रहे हैं उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही इस योजना के तहत केवल वो किसान ही लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 31 मार्च 2020 के पहले लोन लिया है। साथ ही एक परिवार के एक सदस्य को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकता है। फिर किसान के पास मानक फसल कृषि खाता होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड की KCC होना चाहिए। राज्य के उन किसानों को भी कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिलेगा जो खुद की जमीन पर खेती करते हैं या फिर लीज में जमीन लेकर दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की। आवेदक किसानों के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है, ये जानने के बाद किसानों को ये जानना बेहद जरूरी है कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इन दस्तावेजों के आधार पर किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें पहला है आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। इन सभी चीजों के होने के बाद ही किसान इन दस्तावेजों के पूरे होने पर ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज़।